आया कोई डंबर नहीं है, कोई कष्ट नहीं है शरीर को देने का, कोई वनों में जाकर भूखे रहने की बात नहीं है, कोई घर बार छोड़ने की बात नहीं है। उन्होंने तो क्लियर कह दिया, जन नानक बिन आपा चीना मिटे ना भ्रम की कह। तुम भटकते ही रहोगे, तब तक दौड़े रहोगे, पूजा पाठ करते रहोगे, घंटियां बजाते रहोगे, तीर्थ यात्रा भी करोगे, व्रत भी करते जाओ, लेकिन मिलेगा कुछ नहीं। और अंत समय वही सीन आपके सामने आएंगे और फिर तुम्हारे को जन्म लेना पड़ेगा। मेरी बात समझे। अब फिर गुरु कहते दाता दयाल जी महाराज कहते कि ये ज्ञान तुम्हें कहाँ से मिलेगा, तुम्हारे अंदर सब कुछ है, तुम्हारे अंदर वो दिया है, वो बाती भी है, उसमें तेल भी है, लेकिन उसको जलाने वाला तुम्हें नहीं मिला जो तुम्हारे अंदर रोशनी कर सके। तुम्हें बाबा फकीर नहीं मिले, तुम्हें बाबा फकीर की शिक्षा नहीं मिली, तुम्हें उनके वचन पर विश्वास नहीं आया, इसलिए तुम फिर भी भटक रहे हो। तो दाता दयाल कहते हैं, बिन गुरु ज्ञान ना उपजे साधो लो गुरु की शरणाई। किसकी किस चीज का ज्ञान, किसका? दुनिया का, व्यापार करने का, हेरा फेरी करने का? ये नहीं, अपने आप को जानने का ज्ञान तुम्हें मिलेगा। कैसे मिलेगा, पढ़ो। बिन गुरु ज्ञान न उपजे साधु लो गुरु की शरणाई, बानी सुन सुन मन में धारो मिटे भरम दुचिताई। अब क्या कह दिया था? देखिए क्या बात कह दी। कहते वहां जाओ गुरु के पास, उसको क्या समझते हो ये तुम जानो। और बाबा सावन सिंह जी महाराज के बारे में मैंने सुना, वो कहा करते थे कि तुम जरूरी नहीं है कि गुरु मान लो उनको, ये भगवान है, तुम उसको चाचा मान लो, ताया मान लो, भाई मान लो, कुछ मान लो, ऐसा मान लो कि यही मेरा हितकारी है और कोई नहीं, यही मुझे ठीक रास्ता बता सक। विश्वास तो करना पड़ेगा ना, बिन विश्वास तो काम नहीं चलेगा। तो उन्होंने ये कहा, फिर वहां जाकर क्या करो, वाणी सुनो, वाणी सुनकर उसको बार बार चिंतन करो, फिर पढ़ो यही लाइन। वाणी सुन सुन मन में धारो, मन के अंदर लेते जाओ, जो सुन रहे हो उसको अपने मन के अंदर लेते जाओ, फिर क्या करो, मिटे भरम दुचिताई। तो तुम्हारा भरम दूर होता जाएगा और दुविधा भी दूर होती जाएगी। दुविधा क्या है? दुविधा क्या किसको कहते हैं? कबीर साहब ने कहा, दुविधा क्या है, तुम उस अपने आप को उस मालिक से दूर समझते हो, ये दुविधा है, ये दुचिताई है। और यहाँ उसका प्रमाण गुरु ग्रंथ साहब जी की वाणी दे रही है, काहे रे मन खुरजन जाई, सर्वनवासी सदा अलेपा, तोहे संग समाई, तेरे अंदर है। तो फिर क्या हो गया, फिर पूजा पाठ खत्म नहीं हो गया? क्या बोलो, तुम्हारा भ्रम दूर नहीं हो गया, तुम्हें ये ख्याल खत्म नहीं हो गया कि भी वहाँ जाएंगे कुछ नहीं मिलेगा, धक्के मिलेंगे, लाइनें लगी होंगी, जा कोई और घटना घट जाएगी, मर जाते हैं लोग, क्या कहा मैंने, वहाँ क्या है, कुछ भी नहीं। जो कुछ भी तुम बाहर में करते हो वो तुम्हारे मन का बंधन है। जो कुछ भी तुम बाहर करते हो, कर्म कांड करते हो, जो कुछ भी, मैं क्या नाम लूँ, मैं खंडन नहीं करता लेकिन सच्ची बात कहता हूँ, वो तुम्हारा बंधन बनेगा, वो तुम्हारे पाँव में बेड़ी डलेगी और तुम उस दुनिया के मन के चक्कर से बाहर नहीं जा सकोगे। तुम कब जाओगे, जब तुम्हें अपना ज्ञान हो जाएगा कि मैं कौन हूँ। क्या कहा मैंने, जन नानक बिन आपा चीने मिटे ना भरम की खाई। क्योंकि तुम माल के कुल की अंश हो, माल के कुल की अंश होते हुए कोई भ्रम नहीं होना चाहिए, इतना विश्वास ही कर लो कि मेरा है।
पत्नी को विश्वास होता है कि मेरा पति है, वो पड़ोसियों को जीन नहीं देती, मेरा पति थानेदार है, जितना ऊंचा होगा दर्जा तो उसमें उतना ही वो आएगा ना, अभिमान आएगा। ऐसे गुरु की बात मैं करता हूँ, बिन गुरु ज्ञान न उपजे साधो लो। मैं अपनी बताता हूँ कि मुझे मेरे परम दया जी ना मिलते तो मैं ना जाने कहाँ रुल जाता, मेरा क्या हाल होता। मैं कभी कभी डर जाता हूँ कि हाँ बताता ने मुझे यहाँ से भी बचाया, जहाँ से भी बचाया, ये भी कर दिया, ये भी कर दिया, ये भी कर दिया, अगर बोर्ड ना मिलते तो मेरा क्या होता, क्या कहा, मेरी फिल्म बन गई ना अंदर है। और विश्वास हो गया कि वो ही मुझे लेकर जाएगा, मुझे कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती। क्या कहा मैंने, विश्वासम फलदायकम, विश्वास इस उस मालिक पर, उस गुरु पर, और उसको इंसान मत समझो कि वो इंसान है। इंसान समझोगे तो इंसान के गुण तुम्हें में आ जाएंगे, अगर उसको परम तत्व समझोगे तो वही गुण तुम्हारे में आएंगे। आगे चलो। गुरु हुए रूप धरा मानुष का, नर हुए जीव चिताया। वो क्यों आया गुरु, आया क्यों? गुरु ने मानुष का रूप धारण किया, यही दाता दयाल ने महाराज मेरे सदगुरु बाबा फकीर के बारे में कहा, तू तो आया नर देही में धर फकीर का वेशा, दुखी जीव को अंग लगा के ले जा गुरु के देशा। तीन ताप से जीव दुखी है निबल अबल ज्ञानी, तेरा काम दया का भाई नाम दान दे दानी। और वो कहा करते थे मेरा सत्संगी नाम दान है, यही कहते थे ना। तो किस लिए आया वो मानुष जन्म में, क्योंकि मानुष मानुष की ही सेवा कर सकता है, इंसान इंसान को ही गाइड कर सकता है, इंसान को कोई मूर्ति गाइड नहीं करेगी, इंसान को कोई देवी देवता गाइड नहीं करेगा, तुम्हारे जैसा बनकर वो दुनिया में आता है। किस लिए? तुम्हें चिताने के लिए आता है। क्या कहा, पढ़ो फिर यही लाइन। गुरु हुए रूप धरा मानुष का, नर हुए जीव चिताया। जीव को चिताया कि तू कौन है, याद कर, चेत 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 अभी चेत मेरे भाई, राह से कुराब है अभी बीरा तो बनना। तुम दीवाने बने हुए हो कि भगवान वहाँ है, वहाँ वो है, वहाँ वो है, वहाँ वो है, बाहर कुछ भी नहीं है। जो जो इंसान ने बनाया वो सत्य हो नहीं सकता। क्या कहा मैंने, सुन लो ध्यान से बात। इंसान ने जो भी मूर्ति बनाई है वो सत्य नहीं हो सकती। सत्य वो है जिसको उस मालिक ने बनाया है, वो सत्य है। इसलिए असत्य जो चीज है ही हमने बनाई और हम ही उसके आगे झुकते हैं, वो तुम्हारा बेड़ा पार नहीं करेगी। हाँ, तुम्हारी शायद मनोकामना पूरी हो जाए, क्योंकि वहां भी तुम्हारा विश्वास काम करता है, तुम्हारी श्रद्धा काम करती है, तुम्हारी आस्था काम करती है। मैं आपको एक अपनी बीती बताता हूँ। 1974-75 की बात है, तो मैं हमीरपुर में था, तो जज साहब मेरे बड़े दोस्त थे, मेरे पड़ोस में रहते थे, तो महाराज जी जब वहाँ गए थे तब से वो मेरे काफ़ी क्लोज थे, जहाँ भी वो आए तो मुझे एक दिन कहते, कमल जी कल आपको सैर कराएं। मैं कहा कहाँ जाना है, कहते बस ऐसे ही ड्यूटी पर जाना है, मेरे साथ चलो। मैं कहा जी चल पड़ूंगा, मैं मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, मैं तो फ्री होता हूँ, कॉलेज से जल्दी फ्री हो जाते, इतवार की छुट्टी होती है। तो उन्होंने मुझे अपनी गाड़ी में बिठा लिया, आगे एक पुलिस वालों की लग गई कार और हम उनके पीछे चले हुए। काफ़ी जगह उन्होंने चेकिंग की, चेकिंग करते करते वो ये बंगाना के आगे आ गए, उस रोड पर आ गए जहाँ देवर सिद्ध को लोग जाते हैं, बाबा देवर सिद्ध है ना ऊपर, तो वहाँ पुलिस वाले आ गए उनके पास। सर हम काफ़ी नज़दीक आ गए हैं, वो बाबा बालकनाथ के चले आदमी है ना, कुछ लोग ऐसे हैं वहाँ दर्शन कर रहे हैं। तो मुझे पूछते गोयल साहब, कमल जी क्या ख्याल है? मैं कह जी इनकी इच्छा पूरी कर दो, चलो।
उन्होंने वहाँ वायरलेस कर दी, उनके पास वायरलेस है तो वायरलेस कर दी कि जज सब आ रहे हैं। हम पहुँच गए एक घंटे में, वहाँ पहुँच गए, एक घंटे से कम लगा टाइम, कारें थी तो उनके सारे भोज की बाहर खड़े, हमारा स्वागत किया, फिर उन्होंने हमें दिखा दिया जो दिखाना था। फिर मैंने जब देख लिया सब कुछ, मैंने उनको कहा कि अगर कोई यहाँ संत है, इस हेड है, या उनसे मिलना है। मैंने कहते लो जी हम उनसे भी आपको मिला देते हैं। तो वो हमसे उस वो जो गुफा है उससे आगे ले गए और ऊंची सी जगह पर एक बहुत सुंदर मकान बना हुआ है। इतना बड़ा तो हाल नहीं था, जितने ये पिलर हैं इतना बड़ा हाल होगा, जिसमें बहुत कीमती गलीचे बिछे हुए हैं। सामने बहुत बड़ी टीवी लगी हुई है उस कमरे में, और सोफे लगे हुए हैं। तो वो संत आए, वो उस वक्त 40-45 साल के होंगे, आए, उन्होंने नमस्कार किया, हमने भी नमस्कार किया, तो बैठ गए, चाय आ गई, दूध आ गया, जो भी करते सेवा करते हैं ना। मैं कह महात्मा जी मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ, बुरा तो नहीं मानोगे? कहते नहीं बुरा नहीं मानूंगा, मेरी बात को गौर से सुनना। मैंने कहा आप कब से यहाँ हैं? कहता जी मैं बचपन से ही यहाँ आ गया, मेरे माता पिता ने मुझे यहाँ लाकर चढ़ा दिया। यहाँ छोड़ गए कि यहीं की सेवा करेगा तू, और मैं यही हूँ। वक्त आया मुझे, कहते यहाँ का अब मैं वो क्या होता है सेवक बन गया। मैंने कहा एक बात अब मैं आपसे सवाल करूँगा, बुरा नहीं मानना, आप बचपन से यहाँ हो और इस जगह के इस देवता के अगर कोई देवता है तुम उसके पुजारी हो, आप मुझे सत्य में बताना कि आपने कभी बाबा बालकनाथ का दर्शन किया? सवाल बड़ा टेढ़ा था। आपने कभी बाबा बालकनाथ जी का दर्शन किया? वो कहता बाबूजी सत्य बताऊं मैंने यहाँ कभी कुछ नहीं देखा, मैंने यहाँ कभी कुछ नहीं देखा है, कुछ नहीं है, मुझे कोई ज्ञान नहीं है, लेकिन यहाँ कुछ है और लोगों की आस्था है और कुछ नहीं। तो आस्था कहीं भी रख लो, आप घर में रख लो, गुरु में रख लो, माँ बाप में रख लो, आस्था ने काम करना है। उसने खुद माना कि मैंने कभी नहीं देखा, क्या कहा मैंने? इसलिए ये केवल आप लोगों का विश्वास और आस्था है। और आस्था क्यों बनती है, आस्था पैदा क्यों होती है? तुम्हें कोई इच्छा है जो आस्था पैदा करती है? तुम्हें कोई कामना है कि मेरा काम ये हो जाए, मेरा ये हो जाए, मेरा ये हो जाए? वो कामना तुम्हें मजबूर करती चल वहां। क्या कहा, कोई आदमी आएगा बताए ले भैणा मैं तो उत्थे गई सी, मेरे सारे काम हो गए। वो भैणा भी कहेगी अपने पति नु भी, बच्चो तुम भी चलो, सारे जाएंगे ना। तो ये है और कुछ भी नहीं है। ए इंसान तू भटक गया कलयुग में, जहां ये कहा गया है कि कोई मूर्ति पूजा, कोई पाठ, कोई कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्या है? कल केवल एक नाम आधारा, श्रुति स्मृति संत मत सारा, केवल नाम तुम्हें को बचाएगा। और वो नाम जो किसी सतपुरुष ने तुम्हें भेद दिया वो बचाएगा, बाकी कोई पूजा पाठ आपका साथ नहीं। ये कलयुग है, मैं कलयुग की बानी कर दी। और गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज भी लिखा है कल माही कीर्तन पर धन्ना, ये है वाणी वहां की। वो कीर्तन किसका? तन का कीर्तन, तन कीर्तन कहाँ हो रहा है? तुम्हारे अंदर हो रहा है, बाहर का नहीं। क्या कहा मैंने? फिर पढ़ो यही लाइन। गुरु ये रूप धरा मानुष का, नर हुए जीव चिताया। आदमी बनकर जीव को चिताया उसने, मूर्ति ने नहीं चिताना आपको। आगे जो कोई उनके शरण में आया,
ताको अंग लगाया। हाँ, ये महानता है उस पुरुष की, जो भी उसके पास आया उसने उसको अपना बना लिया, हृदय से लगा लिया। किस बात से हृदय से लगा लिया? हृदय से बात निकली, उसके हृदय में पहुंच गई और दोनों का मिलन हो गया। क्या कहा? वो थोड़ी बात ना थोड़े अंदर, उसकी वाणी जाती है आपके अंदर, वो वाणी तुम्हें हिला देती है। यही है सब कुछ और कुछ भी नहीं। मैं 18 साल का था जब महाराज के दरबार में आया, उन्होंने पहले दिन ही मेरे दिल में वो चीज डाल दी कि मैं उनसे जुदा हो ही नहीं सका और मैं कभी होऊंगा भी नहीं। तब उनका रूप और था, अब उनका रूप और है, और वो जो रूप है वो अजर अबर अविनाशी है। और वो मुझे बता दिया कि तू भी वही है जो मैं हूँ बेटा, फिर क्या चाहिए, फिर क्या चाहिए? कुछ भी नहीं चाहिए। फिर क्या मांग है? कोई भी मांग नहीं है। जब तू उसका हो गया, जे तू मेरा हो रहे सब जग तेरा हो, ये तो संतों ने कह दिया और दावे से कहा है। हम उसके नहीं होते, हम गिरते हैं, दौड़ते हैं, आशाओं की पूर्ति में लगे हुए हैं, हमें विश्वास ही नहीं आता कि उसने हमें पहले ही बहुत कुछ दे दिया है। हम उसके बेटे नहीं बनते, हम उस पर विश्वास ही नहीं करते। और इसीलिए संतों का विश्वासम फलदायकम, वो है और वो तुम्हारे लिए है। क्या कहा मैंने? तुम्हारे विश्वास में है, तुम्हारी आस्था में है, तुम्हारी श्रद्धा में है, तुम्हारे प्यार में है और तुम्हारे इश्क में है, और कहीं नहीं है। क्या कहा मैंने? आगे पढ़ो। गुरु चरित्र को देखो समझो, गुरु चरित्र को देखो समझो, सुनो गुरु की वाणी। कहते गुरु को देखो समझो, वो कहाँ से बोल रहे हैं? चरित्र आदमी का कहाँ से पता लगता है? वैसे नहीं पता लगता, जब वो बोलता है तब पता लगता है। चरित्र का वैसे तो नहीं पता लगता, वो जब बोलेगा, अगर कोई क्रोधी आदमी है उसके मुंह से आग निकलेगी। बात समझ गए? अगर कोई जहां जहां भी कोई लगा हुआ है वो उसी की बात करेगा। तो इसलिए गुरु जो कहता है वो कोई अलग बात कहता है, वो दुनिया की बात नहीं कहता। फिर पढ़ो यही लाइन। गुरु चरित्र को देखो समझो, सुनो गुरु की बाणी। बस बाणी को सुनो, और बाणी सुनने के बाद क्या करना है? गुरबाणी में एक लाइन है, जे को खावे जे को पुंचे, तिसका होए सबसे आधारो। क्या मतलब इसका? जो पहलवान होते हैं ना, अच्छी खुराक खाते हैं और वो पचा भी लेते हैं, ठीक है, और फिर वो लड़ाई भी लड़ते हैं, ताकती से हरा देते हैं अपने प्रतिद्वंद्वी को। और जहाँ हमने क्या खाना है उसको पचाना है, वो गुरु की वाणी है। जे को खावे गुरु की वाणी, जे को पहुँचे उसको पचा ले, फिर सब काम हो जाते हैं। मैंने सिंपल बात में आपको बता दिया, केवल सुनने से पार नहीं होगे, गुरु के गुणगान करने से पार नहीं होगे। गुरु ने जो तुम्हें दिया उसके चिंतन में डूब जाओ, उसकी वाणी को पकड़ लो। वाणी गुरु, गुरु है वाणी, बिच वाणी अमृत सारे, उस वाणी में ही सारा अमृत है। उस शरीर की कृपा है, उस महापुरुष की कृपा है, वो हमारे लिए इस दुनिया में आते हैं और हमें ठीक रास्ता बता कर चले जाते हैं। और ये सिलसिला सतयुग से चला आ रहा है, ये चलता रहेगा, कोई माने ना माने। मैं फिर एक बात और कह देता हूँ कि गुरु महाराज जो सतपुरुष होते हैं वो उस धरती की डिमांड के मुताबिक पैदा होते हैं। जिस धरती में उसकी डिमांड है, ये पंजाब की धरती गुरुओं की धरती है, महापुरुषों की धरती है, जहाँ गुरुओं ने युद्ध भी लड़ा, जहाँ अपने बच्चों की कुर्बानियाँ भी दे दीं,
किस लिए? इस इंसानियत के लिए, एक मानवता के लिए सब कुछ किया। और जो दूसरे स्टेट में जाओगे, कोई ऐसी धरती जहाँ देवताओं का राज है, देवते हैं वहाँ होंगे, और दक्षिण में चल जाओ वहाँ तुम्हें वहाँ की परंपरा मिलेगी। जहाँ जिस जिस देश में, जिस जिस एरिया में जैसे जैसे इंसान की जरूरत होती है, कुदरत हम इसको भेज देती है कि तुम जहाँ जाओ जहाँ कल्याण करो। बात समझ रहे हो? बड़ी ऊंची बात मैंने कह दी है। हर जगह नहीं संत महापुरुष पैदा होते, वो कोई भाग्यशाली। ये पंजाब है, ये पंजाब था, अब मैं क्या कहूँ, अब क्या है क्या नहीं है। लेकिन कुदरत नहीं छोड़ेगी किसी को भी, वो तो अपना रूल पूरा करेगी, उसको कोई नहीं त्याग सकता। आगे बढ़ो। गुरु चरित्र को देखो समझो, सुनो गुरु की बाणी, बाणी सुन सुन मन में धारो, सुनो गुरु की बाणी। अब क्या करो, सुनो सत्संग। सत्संग की बहुत बड़ी महिमा है। वो किसकी? किस सत्संग की? जिसमें सत्य का वर्णन किया जाता है। ये ढोल की शाने वाली सत्संग नहीं है, ये तालियां बनाने वाला सत्संग नहीं है। वो मनोरंजन हो सकता है, द्वापर त्रेता की कथाएं आपको पार नहीं करेंगी, वो तुम्हें मनोरंजन दे सकती हैं, लेकिन तुम्हें पार नहीं कर सकते। वो थोड़ी देर के लिए आपको मनोरंजन मिलेगा, आपकी संस्था भी बन जाएगी, आपको लोग बहुत बड़ा कहेंगे, जी बड़ा काम करवा दिया, तो सात सात दिन के लिए यहाँ कथा हुई। क्या मिला उस कथा से? मिला क्या? द्वेष, ईर्ष्या, शत्रुता, वैर, विरोध, क्या बताती है वहाँ? किस बात की बात करते हैं? किस त्रेता युग की बात करते हैं? क्या वो यहाँ काम देगा आज? किस द्वापर युग की बात करते हैं? क्या उसका काम यहाँ होगा? और फिर मैं ये कहूँगा कि द्वापर युग अपना था, त्रेता युग अपना था, कलयुग अपना है। कलयुग का अपना कानून है, और इस कानून के बारे में बताओ लोगों को, तब तो कोई बात बनेगी। लेकिन वो नहीं कोई बताता। एक भगवान का नाम रख दिया, उसकी ढिंढोरा पीटते हैं, ना किसी ने उसको जाना, ना किसी ने उसको देखा, बस लोगों को पीछे लगा लिया। क्या कहा? पढ़ो ये बात। गुरु चरित्र को देखो समझो, सुनो गुरु की बाणी, बाणी सुन सुन मन में धारो, मिटो द्वंद जिलानी। द्वंद को मिटा दो भाई, दोपना निकाल दो। हमको कबीर साहब ने बड़ा प्यारा कहा है, हमन को इश्क मस्ताना, हमन दुनिया से जारी क्या, जो बिछड़े हैं प्यारे से, भटकते दर्द बदर फिरते, हमारा जार है हम में, हमन को इंतजारी क्या। यहाँ दुविधा है। ये कहते संत, वो तुम्हारे अंदर है, ये वो बताते हैं, वो तुम्हारा शरीर नहीं है। चलो मैं एक मिसाल देता हूँ आपको, शायद आप समझ जाए, मैं बताता रहता हूँ, पता नहीं कोई सुनता है कि नहीं सुनता। तुम्हारे पैर में चोट लग गई, तुम जाओगे ना डॉक्टर के पास, हड्डी टूट गई, एक्सरे करेगा, तो आप डॉक्टर को क्या कहेंगे जाकर? डॉक्टर साहब मेरे पेट मेरा, मैं गिर गया, मेरे तो है ये, मेरा गुट्टा टूट गया, मेरा गिट्टा टूट गया, यही कहोगे? वो गिट्टे का इलाज करेगा। फिर कभी हो सकता है तुम्हारे पेट में बहुत असहनीय दर्द हो, तो तुम फिर डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर साहब मेरे पेट में बहुत दर्द होती, पेट में दर्द हो, मेरे पेट में दर्द होती, यही कहोगे? फिर हो सकता है तुम्हारे कान में कोई तकलीफ हो जाए, फिर आप कहोगे मेरे कान में डॉक्टर साहब मिट्टी है, पता नहीं क्या है, मेरे सुनता नहीं, कान और है तुम और हो। फिर आँख में कुछ पड़ गया, फिर जाओगे डॉक्टर साहब मेरे आँख में कुछ पड़ गया, तो तुम और हो, पैर भी और है, पेट भी और है, तुम्हारा कान भी और है, तुम्हारी आँख भी और है, तुम अलग हो गए। चलो ये बात एक हो गई। फिर कभी कभी ऐसा होता कि ये बात चल रही है, तुम कहोगे यार सब कुछ ठीक है पर मेरा मन नहीं मानता,
मेरा मैं अलग हो गया ना, मन नहीं मानता, तो अब समझो तुम्हारा मन और है तुम और हो। फिर कभी 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 ऐसी भी बात होती होगी आप लोगों की, तो आप कहोगे भाई मेरी आत्मा नहीं मान रहा तो तुम और हो गए, आत्मा और हो गए, है ना, होता ऐसा। और फिर कोई गंभीर बात हुई बहुत ज्यादा, तो तुम कहोगे भाई बाकी तो सब ठीक है, मैं मेरा अंतःकरण नहीं मानता। अंतःकरण जो मन शरीर मन और आत्मा से भी परे है वो हो तुम, जो शरीर नहीं है, जो कोई अंग नहीं है, अंग उसके अधीन है, सारे अंग उसके अधीन है, तुम्हारा मन भी उसके अधीन है, तुम्हारी आत्मा भी अलग है, मगर तुम तीनों से ऊपर हो। इसीलिए कहा है संतों ने, तीन छोड़ चौथा पद दीना, सतनाम सतगुरु गति चीना। तीनों से परे जाकर वो बैठा है, वो कौन है, वो तुम हो, वो तुम हो, तुम्हारे अंदर है। काहे रे बन खोजन जाए, सर्वनिवासी सदा अलेपा, तुम्हारे संग समाई, तेरे अंदर समाया हुआ है। और फिर हम क्या कर रहे हैं, तुमने अपने आप को उससे अलग समझा तो कैसे सुखी हो सकते हो। तुम तो एक महान शक्ति के अंग हो, तुम परम तत्व की अंश हो, तुम्हारा वंश बहुत बड़ा है, उस वंश से हम आए हैं और उसी वंश में जाकर मिलना है। क्या कहा मैंने, बात को पकड़ो। यही कहते हैं मेरे दाता दयाल जी महाराज, पढ़ो आगे। कैसे कहूँ खोल कर मैं, कैसे कहूँ खोल कर मैं, नहीं बहन कोई बूझे। वो कहते हैं दाता दयाल जी महाराज कहते हैं, ओ मैं खोल कर और क्या कहूँ, कोई समझने के लिए तैयारी नहीं है। और यही मेरे दाता परम दयाल जी महाराज कहते थे, ए निकार खाने में तूती की कोई नहीं सुनता। निकार खाना में जहाँ बड़ बड़ी आवाजें आती, ढोल ढमक्का, आजकल वो एक कोई और आ गया डीजे, डीजे भी आ गया ना शादियों में बजाते हैं लोग, वहाँ कुछ पता नहीं लगता फिर कौन क्या किससे बात कर रहा है, बस कहने तो अड्डे फट जान गए, बात समझ गए ना। तो ये हाल है दुनिया का, हमारे कान बर्बाद कर दिए इन्होंने, हमारी नज़र भी खराब कर दी इन लोगों ने, हमारा खाना भी खराब कर दिया इन्होंने। मैं कह रहा हूँ आगे आने में बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त बीमारियाँ आएंगी, क्योंकि हमने अपना खाना जो असली था उसको छोड़ दिया। देखो जिस बच्चे को देखो, मोबाइल आ गए, कानों की रोशनी जा रही है, फिर देखो कानों में लगाए हुए हैं, कानों पर खराब नहीं होंगे, वो 40 साल में जवाब दे जाएंगे, फिर किनका काम ज़्यादा चलेगा, कान वाले डॉक्टर का, आंख वाले डॉक्टर का, सब बिजनेस चलेगा बढ़िया। क्या कहा मैंने, मैंने भी एक दवाई खा ली, डॉक्टर ने दे दी बड़ी सख्त, मेरा कान एकदम बंद हो गया। मैं गया दोबारा, मैं कहा डॉक्टर साहब आपने क्या दे दिया, मेरा तो कान ही तुमने बंद कर दिया, मुझे भी मशीन लगवानी पड़ी, बात समझ गए ना। तो ये दवाइयाँ अच्छी थोड़ी हैं, क्या कहा मैंने। अब क्या है, बड़ बड़ी होटल बन गए, बर्गर किंग बर्गर, रोटी वाले पासे कट लोग जाते, उत्थे ज़्यादा जाते बड़ बड़े कार वाले। क्या कहा मैंने, अपनी रोटी सिंपल करो, खाना सिंपल करो, कुदरत का दिया खाओ, ये अपने टेस्ट के पीछे मत जाओ, ये खराब करेगा आपको और जल्दी राम नाम सत हो जाएगी। क्या कहा मैंने, मैं जीने का राज भी बताता और ये भी बताता हूँ, आगे चलो। कैसे कहूँ खोल करिया मैं,
नहीं बैन कोई बूझे, जब सतसंगत आवे प्राणी, जब सतसंगत आवे प्राणी, तत तार तब बूझे। कहते फिर कब मिलेगी ये सार, कब सूझेगा सार, मैंने उनके असलियत सार असलियत, जब कोई संगत में आएगा, कोई संगत में नहीं, तुम जिस संगत में जाओगे उसी रंगत में रंगे जाओगे। मेरी बात समझ रहे हो, जो नशा करने वाले हैं वो नशा वाले करों में अपनी संगत है, जो खाने पीने वाले उनकी अपनी संगत है, वो बड़े बड़े होटलों के। एक दफ़ा मैं जा रहा था कहीं गाड़ी में, तो एक सरदार साहब नीचे वाली सीट पर थे, एक बाबूजी ऊपर वाली सीट में थे, तो वो खाने की बातें करने लग गए। बाबूजी आप कहाँ से आए? मैं अमृतसर से आ रहा हूँ। अच्छा, तो अमृतसर में आपने वो होटल देखा, सैर करने आए थे आप? हाँ जी हाँ जी, एक वो होटल है, बहुत अच्छा खाना वहाँ बनता है, फिर और वहाँ ये बनता है स्पेशल, वहाँ गए थे? हाँ जी, मैं वहाँ भी गया था। कहता वहाँ अमृतसर में खाने पीने की कोई कमी नहीं है, बहुत हर चीज़ वहाँ मिलती। मैं कहा देखो इन्हों संगत की है, संगत की है, वो खाने की संगत करते बस। और हरिमंदर साहब की गल नहीं की, तुसी हरिमंदर साहब गए उत्थे मत्था टेकया कि नहीं, उत्थे दा प्रसाद खाता कि नहीं? नहीं जी, और कोई गल नहीं, होटलों की गल सुनाई बड़े बड़े, मैं नाम भी भुल गया, मैं तो नाम भी नहीं याद रखता। ये है संगत, बात मेरी समझ गए हो? जब तक आप सत्संग में नहीं जा, सत्संग की महिमा बहुत बड़ी है, और फिर वो कैसे मिलती है? बिन पागा सत्संग न लब्बे, बिन पागा सत्संग न लब्बे। सत्संग तो बहुत हो रहे हैं दुनिया में, लेकिन वो सत्संग नहीं है, वो संगत है, वो पंगत है। रोटी भी खाओ, पानी सुनो और जाओ, रिश्तेदारों को मिल लो, बात समझ गए? मैं आपको अपनी बात सुनाता हूँ। मैं उस वक्त MA पास कर ली थी, शादी मेरी हो गई हुई थी, मैं अपने ससुराल कभी नहीं गया। एक शर्त थी कि मैं तब आऊँगा आपके गांव में जब मैं MA पास कर लूँगा। तो फाइनल एग्ज़ाम दे दिया तो मेरा ससुर आया, कहता बेटा महाराज जी वहाँ आ रहे हैं, फगवाड़ा आ रहे हैं, तो आपने भी आ जाना। मैंने कहा मुझे क्या पता कहाँ जाना, मैं तो बाबा फकीर जी के, उनको पता था कि मैं महाराज जी के पास जाता हूँ, और वो आते थे जहाँ भी आते थे। आप कहते वहाँ भी आ जाइए, उनका क्या भाव होगा मुझे नहीं पता। तो मैं चला गया, सत्संग खत्म हुआ, मैं बस ली, बस में बैठ गया और अपने वापस होशियारपुर। तो रास्ते में पगाना गांव है, वहाँ परदेसी रहता था, आप लोगों ने देखा होगा। तो महाराज जी परदेसी महाराज को अपने घर ले गया हुआ था, तो महाराज जी सड़क पर खड़े, ओहो वाह रे वाह, मेरे सतगुरु तो यहाँ मिल गए मुझे, मेरा तो सारा काम ही हो गया। तो मैं एकदम खड़ा हो गया, महाराज जी आए तो अगली सीट पर बैठ गए, वहाँ बैठ गए, मैं पीछे बैठा था। मुझे मेरे सदगुरु बोलते आपको सत्संगों से कब तक प्यार हो गया। मेरे बाबा पीर ने मुझे पूछा आपको सत्संगों से कब तक बेटा प्यार हो गया। एक इशारा था वो, एक वो इशारा था कि वहाँ तो मुझे मिला ही कुछ नहीं, वहाँ जे मिला कि वो वहाँ के जो मेरे ससुराल की जनानियाँ थी, हो सकता है मेरी पत्नी भी हो वहाँ, उसने भी मुझे देखा होगा, बात समझ गए ना। तो ये मेरे सतगुरु ने मुझे एक बड़ी प्यारी सी बात की, वो मैं एकदम चटका खा गया। मैं क्या वाकई मेरे दादा ने मुझे ठीक कहा, सत्संग ना तेनों कितों प्यार हो गया। मेरी तो तसली इत्थे हो गई सी, कौन बताएगा असली बात जो बाबा फकीर बोल गए। 100 साल तक मेरे सतगुरु की शिक्षा का इतना प्रसार नहीं होगा, हो सकता है सूरज डूब जाए,
कोई ना इसकी कदर करे। 100 साल के बाद एक पुरुष आएगा जो इस बुझे हुए चिराग को फिर रोशन करेगा, ये मेरा अनुभव कहता है। मैं क्या कह रहा हूँ, बात समझ गए? सुनते नहीं है गाफल दुनिया के मेरा कलाम, बेदार हो के कहता हूँ तबीर ख्वाब की, दाता दयाल जी महाराज ने कहा हुआ है। ये कलयुग की दुनिया सुनती कहाँ है, इनको प्यार ही नहीं अपने आप से, कलयुग की दुनिया को अपने आप से प्यार नहीं है तो गुरु से क्या प्यार करेंगे। एक तमाशा बन गया है सत्संग, एक तमाशा बन गया गुरुइज्म, और मैं तो कहूँगा तमाशा भी नहीं, उससे बुरा काम है कोई और। यहाँ तुम गुरु को मिल ही नहीं सकते, और प्रचार क्या होता है, गुरु के दर्शन कर लो पार हो जाओगे। लो, दर्शन करने से अगर पार हो जाओगे तो कहाँ जाओगे, दोबारा जन्म होगा, फिर दोबारा जन्म होगा, करते रहो दर्शन करते रहो। कहा तो ये गया है दर्शन करे करे, वचन पुण सुने, सुन सुन कर नित मन में गुने, गुन गुन कड लैत सार, कड सार तिस करे आहार, कर आहार पुष्ट हुआ भाई, फिर क्या होगा, जग भव भय सब गए गुआई। कहाँ जाओगे, अपने घर वापस जाओगे। जी मेरे सतगुरु ने कहा है, महापुरुषों ने कहा है, कहाँ वहाँ लिखा है कि दर्शन कर ले तो पार हो जाओगे, कहाँ वहाँ लिखा है कि पाठ करो सार वचन का तुम पार हो जाओगे, कहीं नहीं लिखा, किसी गुरु ने नहीं कहा, उन्होंने बता दिया कि ये करो ना करो तुम्हारी मर्जी, गुरु ने अपनी ड्यूटी कर दी। यही मेरे बाबा फकीर कहा करते थे, मैंने अपनी ड्यूटी कर दी, सुनो ना सुनो, मेरी कोई किताब पढ़ो ना पढ़ो, हवा खाओ। आहा, ऐसे आजाद मेरे सतगुरु बाबा फकीर, और जो जुन के साथ मिल गया वो भी आजाद हो गया। इसीलिए वो कहा करते थे, आई हैव कम टू लिबरेट यू, मैं आपको आजाद करने के लिए आया हूं, अपने साथ बांधने के लिए नहीं आया। मैं वही बाणी बोल रहा हूँ, मेरे सतगुरु की बाणी है, पकड़ो अगर पकड़ सकते हो, चलो अगर चल सकते हो, ये भी दुनिया बन जाएगी और आगे भी तुम पहुंच जाओगे। क्या कहा मैंने, आगे पढ़ो। धन्य धन्य गुरु की लीला अद्भुत, धन्य धन्य गुरु की लीला अद्भुत, धन्य धन्य उपदेशा। अब यहाँ उन्होंने गुरु की सिफ्त कर दी है, हजूर राय सरग्राम साहब जी महाराज के बारे में कहा है, धन्य है वो सतगुरु। मैं कहता हूँ धन्य धन्य मेरे बाबा फकीर, और धन्य धन्य उनकी वाणी, उनका उपदेश, उनका वचन, उनका आदेश जो खास तौर पर मुझे मिला, मैं उस पर कुर्बान जाता हूँ। बलहारी बलहारी मैं अपने सतगुरु के, जिस भर्म किया सब दूर, मुझे कोई भर्म नहीं रहा, मुझे कोई किसी तरह की शंका नहीं रही, मुझे कोई संदेह ही नहीं रहा, मुझे पता लग गया कि हुआ माई, मैं क्या हूँ, मैं एक चेतन का बुलबुला हूँ, केवल चेतन का बुलबुला हूँ। जब उसकी मौज होगी बुलबुले को वापस बुला लेगा, मुझे क्या होता, मौत क्या होती है, कब होती है, कैसे होती है, राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, तेरी मौज में रहकर सदा मैं सुखी हूँ। मेरी बात समझ गए, यहाँ आ जाओ ठहर जाओ, ये है धन धन गुरु की वचन, और ये है धन धन गुरु का आदेश, और ये है धन धन गुरु का उपदेश। उपदेश होता है गुरु, उपमीन स्थान बैठना, दे उपदेश होता है को पास बैठकर बात को सुनना और पकड़कर अपने अंदर ले लेना, उसको कहते हैं उपदेश। बात कहा मैंने, इसलिए मेरे दादा गुरु मेरे महर्षि शिव रतलाल जी महाराज अपने गुरु का धन्य धन्य कर रहे हैं। फिर पढ़ो यही बात।
धन्य धन्य गुरु की लीला अद्भुत, धन्य धन्य उपदेशा राधा स्वामी मेहर समेटा, राधा स्वामी मेहर समेटा कष्ट कलेश अंदेशा। किसकी दया हुई? राधा स्वामी की दया हुई। वो राधा कौन है? वो राधा तुम्हारा अंदर जो अंश है जिसको सुरत कहते हैं, वो है मालिक कुल की अंश। उसका मालिक जो है उसकी कृपा हुई, सब अंदेशे खत्म कर दिए। और वो कब होगा? जब तुम वहां पहुंचोगे या तुम्हें वहां का विश्वास हो गए कि मेरा मालिक मेरे घट में रहता है और कहीं नहीं है। जब तुम ऐसा हर रोज करोगे, ये आंखों की पुतलियां उलटने लग जाएंगी और ख्याल भी बदलते जाएंगे, तुम्हारे मन की दौड़ खत्म होती जाएगी। जितना जितना प्यार तुम अंदर करोगे अपने आप से, जितनी जितनी कशिश अंदर पैदा करोगे अपने आप से, तुम्हें अपने आप का दर्शन हो जाएगा। तो फिर क्या रह गया? वहाँ पहुँचे, सभी डिमांड्स खत्म। क्या मांगूं? कबीर साहब ने कह दिया, क्या मांगूं कुछ थिर ना रहाई। मैं ए मालिक तेरे से कुछ नहीं मांगता हूँ। क्या मांगता हूँ? तुम्हें मांगता हूँ बस, मुझे आप मिल गए। और वो आप कहाँ हैं? वो तुम्हारे घट में है, वो तुम्हारा मन नहीं है, वो तुम्हारा शरीर नहीं है, वो तुम्हारी आत्मा भी नहीं है। शरीर को देखने वाला, मन को देखने वाला, तुम्हारे आत्मा को देखने वाला कोई अलग चीज है, उसको कहते हैं साक्षी। वो सब कुछ देख रहा है, तुम क्या करते हो क्या नहीं करते हो, किधर जा रहे हो किधर नहीं जा रहे, तुम उससे कितना प्यार करते हो मन से, तब तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। तो मैंने आज कुछ खास बात कह दी, पकड़ो तुम तर जाओगे, नहीं पकड़ो तुम्हारी मौज। मैंने अपनी ड्यूटी कर दी। मेरी ड्यूटी ये है कि आपको सत्य मार्ग पर बताओ। कभी चिंता ना करो, चिंता आपको कभी आगे नहीं जाने देगी। जब तुम्हें चिंता सतावे, गुरु का तुमको ध्यान हो, बस उस चिंता को गुरु के वाले का, वो खुद ही सबको संभाल लेती है। क्या कहा मैंने? गुरु एक तुम्हारे चारों तरफ लक्ष्मण रेखा है। गुरु तुम्हारे चारों तरफ एक लक्ष्मण रेखा है और वो तुम्हारी हर वक्त रक्षा करता है, हर जगह करता है। मेरा सतगुरु सदा संग है नाले, ये विश्वास करो। होशियारपुर में नहीं है वो, हर जगह नहीं है, तुम्हारे साथ है। और वो मैं आपको सारा खोल कर बता दिया, इससे ज़्यादा और क्या कहूँ। तीन दिन से बोल ही रहा हूँ ना। कोई रेस्ट नहीं लिया, मैं गया भी नहीं वापस, मैं ठहर गया यहीं कि फिर आऊँगा, क्या फ़ायदा, रह ले यहीं, कल मिलते रहे, सब सज्जन मिलते रहे। आप सबका भला हो, आप सबको तंदुरुस्ती मिले, आपको अपने मन का ज्ञान हो जाए तो मैं भी खुश हो जाऊँगा। मेरी बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना, मालिक आपको तंदुरुस्ती दे, मन को शांति दे, घरों में सुख हो, प्रेम हो और तुम बहुत खुश रहोगे, सबको प्यार भरा। राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा स्वामी।